और बबलू भाई के साथ जा रहे हैं अनस भाई, ये लड़ाएंगे फाइनल का राउंड। किससे है? कैफू से। बिल्कुल। तो आप कौन लड़ा रहे हैं? दूसरा फैसला है ना, मुजम्मिल भाई लड़ा रहे हैं। तो अनस भाई और मुजम्मिल भाई लड़ाएंगे फाइनल का राउंड। ये अनस और मुजम्मिल और उनका सामना करेंगे हमारे हाशिम भाई और साथ साथ कैफू। हाँ, बहुत खतरनाक खिलाड़ी ये भी है। तो चलिए टॉस करवाते हैं। सामने हमारे सैफी भाई हैं। फाइनल के लिए टॉस हो रहा है, हेड बॉल करिए कैफू भाई। टहलाया है तो ये टॉस जीत गए। अच्छा, अमीनाबाद 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 कौन सी साइड लेंगे अनस भाई? चलिए ठीक है, साइड अभी साइड अभी डिसाइड नहीं कर। तो ये रहे एक मेंबर ऑफ मुजम्मिल भाई और उधर फाइनल के कैफू और हाशिम भाई। तो देखते हैं फाइनल कौन उठाएगा। लेट राजा को ऑपरेटर अमरूद की बगिया का। हर बार नया एक चेहरा उतारते हैं हमारे अमान भाई। अब की बार कैफू भाई और हाशिम भाई दोनों मतलब नए चेहरे हैं लखनऊ में। किसी क्लब में लड़ाते हैं या अपने नाम से उतार दिया है? ये कौन सा क्लब में? अच्छा, यम में ही थे। यम में थे। अच्छा, दूसरे में लड़ा रहे हैं। अच्छा, सब मोहल्ले के ही हैं। सब मोहल्ले के। तो चलिए देखते हैं, फाइनल में है कैफू की टीम और अपोजिट में है कोशिश है। पूरा सपोर्ट है भाई, जिसको सपोर्ट मिलता है वो तो जैसे निकाल ही लेता। सपोर्ट मिलता है, मंजा मिलता है, नौरतन पार्क का। तो ये सारे मेंबर हैं जो सपोर्ट में है कैफू काइट क्लब के। तो फाइनल का पहला पेज होने जा रहा है और कैफू क्लब की ओर से हाशिम भाई लड़ाएंगे पहला पेज। तो फाइनल का पहला पेज मुजम्मिल लड़ाएंगे अमीनाबाद के लिए और हाशिम लड़ा रहे हैं कैफू के लिए। काफ़ी बढ़ करके लड़ा रहे हैं हाशिम कैफू क्लब के लिए और नीचे से मुजम्मिल अमीनाबाद के लिए। बीच में एकदम पतंग उतारते हुए काफ़ी बड़ पतंग है बाहर का मुद्दा। धीरे धीरे मुजम्मिल बना रहे हैं, चक्कर पर रोके हैं बड़ पतंग, अंदर के मुद्दे पे झोल काटने की कोशिश रुके, वे काट काट नहीं हुई। फिर से सीधी पतंग उतारते हुए हाशिम अमीन कैफू क्लब के मेंबर डबल करते हुए बार बार अपनी पतंग को उठा रहे हैं, दौड़ लगाने की कोशिश। अंदर के मुद्दे पे मुजम्मिल ने ऊँचा करा, रोके रोक के भाग जाता आके सबकी बार खींचा और हाशिम ये पेज कट गए। तो फाइनल का 1-0 का स्कोर 6 पेजों में अमीनाबाद वर्सेस कैफू काइट क्लब। और मुजम्मिल भाई फिर से लड़ाएंगे नीचे का पेज फाइनल के लिए और ऊपर का लड़ाएंगे कैफू भाई। बीच में बहुत बच्चे हैं क्योंकि क्राउड एरिया है, शहर के बीच का एरिया है ये, और इधर भी काफ़ी क्राउड है। और कैफू भाई के हाथ में पतंग है कैफू काइट क्लब के लिए। तो एकदम से हवा पलट गई है, फाइनल का दूसरा पेज साउथ की तरफ हवा आ गई है और ऊपर से कैफू लड़ाएंगे कैफू क्लब के लिए और अमीनाबाद के लिए मुजम्मिल लड़ा रहे हैं फिर से नीचे का पेज। थोड़ी सी पतंग बढ़ है मुजम्मिल की, बढ़ करवाने के लिए आवाज़ दे रहे हैं। पेज सही होता है फिर कंटिन्यू करते हैं। लियाकत, नवाब और सनराइज़ सभी क्लबों के मेंबर, फैयाज क्लब उस्ताद अली नवाब जी बैठे हुए हैं, देखने वाले भी बहुत लोग हैं यहाँ पे। तौसीफ भाई फ्रेंड इंपायरिंग भी कर रहे हैं पेड़ के लिए, बता रहे हैं पेड़ दिक्कत दे रहा है। यहाँ ये देखिए मूनलाइट के जिम्मी भाई हैं। यहाँ ऐसा कोई क्लब नहीं जिसके मेंबर ना हो। ये देखिए हिम गोल्ड के आसिफ भाई हैं, फूल हैं हिंदुस्तान के मेंबर और भी बहुत से क्लबों के मेंबर साहब घेर के खड़े हैं लड़ाने वाले को। ये खड़े हैं मुजम्मिल भाई और अनस। कैफू काइट क्लब के लिए कैफू लड़ा रहे हैं ऊपर का पेज और बाकी लोग इनको घेर के खड़े हुए हैं और मुजम्मिल लड़ा रहे हैं अमीनाबाद के लिए। पेज सही हो गया, नीचे से जगह लेते हुए मुजम्मिल अमीनाबाद के लिए और कैफू ऊपर से अंदर की तरफ अपनी पतंग को उतारते हुए। ज़्यादा रेंज नहीं है, काफ़ी कम रेंज में पेज लड़ा रहा और बूंदे भी गिरने लगी हैं। पतंग को एकदम खड़ी करके लड़ा रहे हैं मुजम्मिल, बीच में एकदम पतंग बनाए हुए कैफू भी बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए अंदर की तरफ और ऊंचा करते हुए एकदम सर के ऊपर पतंग को लड़ा रहे हैं मुजम्मिल अमीनाबाद के मेंबर। अंदर के मुड्ढे पे पतंग को उतारते हुए बाहर की तरफ ताके से खींच रहे हैं मुजम्मिल भी, रेंज कम कराते हुए लगातार। कैफू भाई रेंज कम होती जा रही, काफ़ी भारी पतंग लग रहा है बढ़ा के आए हैं और करने के बाद से ही अपनी पतंग को लड़ा रहे हैं, रेंज कम करते जा रहे हैं। बीच में ही पतंग को बनाए हुए चलाते हुए सही चल रहा है। अंदर के मुद्दे पे ताकत से मुजम्मिल ने खींचा, अंदर के मुद्दे पे पतंग को उतारते हुए कैफू झटके मार रहे हैं। मुजम्मिल ने भी डोर लगे चुस्के हुए पेज, तेज से थपकी मारी, कैफू ने बढ़िया पेज काट दिया। तो एक एक का स्कोर बराबर कैफू और अमीनाबाद के बीच में।
टाइगर वाली मंजीव सद्दी। अच्छा, तो फरहान भाई पतंग उड़ा रहे हैं अमीनाबाद क्लब की, और इन्होंने तो थर्ड पोजीशन, फरहान भाई का चल रहा है। ये पतंग उड़ा रहे थे जो अभी लड़ा रहे थे, जेबू भाई बढ़िया पतंग भारी। कहाँ इकट्ठा हो गई है, कुछ हो गया है लग रहा है, घेर के खड़े हैं सभी लोग कैफू काइट क्लब को। तो नीचे से अनस अमीनाबाद के लिए और ऊपर से कैफू, एक एक का स्कोर बराबर। कैफू ने काटा और नीचे से बुलाया है अमीनाबाद के प्लेयर को, अनस उड़ा रहे हैं नीचे सबकी बात। थोड़ी सी पतंग बढ़ है बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए कैफू, भारी पतंग अंदर के मुड्डे पर लगातार पतंग को ऊँचा करते हुए और भारी बार पतंग को निकाल रहे और रेंज कम करते जा रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं कैफू की ओर से, एक एक का स्कोर बराबर है। फाइनल राउंड लेट राजा कोऑपरेटर अमरूद की बगिया का ये टूर्नामेंट करीब, काफ़ी करीब करा। अंदर के मुठे पे ताकत उतारा, बाहर की तरफ खींच रहे हैं अनस भी और बढ़िया पेच काट दिया। तो 2-1 का स्कोर अमीनाबाद वर्सेस कैफू काइट क्लब में फाइनल राउंड में। और ऊपर से लड़ा रहे हैं हाशिम, नीचे से ये गोल्डी उस्ताद पेच के बारे में बताते हुए। ये देखिए काफ़ी बढ़ करके हाशिम भाई लड़ाते हैं, इसलिए पतंग एक पेड़ में छुप जा रही है, रेंज काफ़ी ज़्यादा है। नीचे से अनस जी गोल्डी उस्ताद क्या नहीं है पेच का, पतंग को चमकाते हुए लिया इन्होंने बाहर, लेने के बाद फिर लेके वही खड़ा खींच दिया पूरा, बाप रे बाप ये गद्दा पड़ गया। तो हाशिम ने भी ताकत से गद्दा मारते हुए 2-2 का स्कोर बराबर कर लिया है फाइनल राउंड में। इसके बाद यमा सालिम भाई हैं जी, सीजन में आपको नई पारी के साथ महाराजा में महाराजा से छोड़ देंगे, छोड़ दिया महाराजा ने। अच्छा अभी तक तो टूर्नामेंट इन्होंने लड़ाया था, तफरीबाजी हो रही भाई यहाँ पे, सभी क्लबों के मेंबर हैं, हंसी मजाक चल रहा है, झूठ बोल रहा है। और ये सैफ किसमें, सैफ किस में राइडर में थे, राइडर में थे, विकास दत्ता के साथ जा रहे, विकास दत्ता के साथ जा रहे हैं, टाइगर में जा रहे हैं। जो कह रहे कहने लिए ये इनकी मजरा बोल रही है, इनकी शरबत है उधम बोल रही है, मोहब्बत है शरबत। जो वीडियो बना रहा है वो भी पी रहा है, वो भी खा रही है, सब काटना पड़ेगा, सब काटना पड़ेगा, सब काट। वाह बढ़िया मौसम है और अब पतंगे जल्दी जल्दी छुड़वाई जा रही है, पतंग बढ़ के जा रही है। 2-2 का स्कोर बराबर फाइनल राउंड में। नीचे का पेज मुजम्मिल लड़ाएंगे, 2-2 का स्कोर बराबर, चलिए अनस दिखा रहे हैं। और ऊपर का पेज हाशिम लड़ाएंगे, ऑरेंज और ब्लू टी शर्ट, 6 फीट की हाइट। चलते हैं पेज पे, देखते हैं अब की बार कौन काटेगा। नीचे से जगह लेते हुए मुजम्मिल अमीनाबाद के लिए और ऊपर से पतंग का मुड्डा रख रहे हैं हाशिम कैफू क्लब के लिए। स्कोर बराबर, देखते हैं कौन पहला काटेगा। पेज सही हो गया, बाहर की तरफ मुजम्मिल खींचते हुए रुके, पेड़ों के बीच में पेज हो रहा है, देख सकते हैं दोनों पेड़ों के बीच से पतंगें लड़ाई जा रही हैं। अंदर के मुड्डे पर ताकत से मुजम्मिल पतंग को खींचते हुए, बीच में फिर से हाशिम अपनी पतंग को उतारते हुए कैफू क्लब के लिए, रेंज कम होती जा रही है, पेज सही चल रहा है। अंदर के मुड्डे पे जगह लेते हुए हाशिम, पेड़ के पीछे हाशिम की पतंग, ताकत से गद्दा बनाया, पड़ पे खींचा मुजम्मिल ने भी, एक पतंग नहीं दिख रही है, बाहर की तरफ खींच के लाए, दोनों पतंगे देख सकते हैं ताकत से खड़े मुड्डे पे खींच रहे, डबल काटने के लिए बढ़िया पेज काट दिया। 3-2 का स्कोर अमीनाबाद वर्सेस कैफू क्लब के बीच में फाइनल राउंड। मुजम्मिल ने काटा अमीनाबाद के लिए और कैफू क्लब के कैफू भाई को नीचे से बुला लिया, भारी पतंग लेके आए, सपोर्ट में है यम काइट क्लब के अमान भाई। और ऊपर का पेज लड़ाएंगे अब अमीनाबाद के मेंबर, तो लेफ्ट साइड पे जाना पड़ा है, नीचे के पेज के लिए साइड बाबा चेंज करी जा रही है। तो अमीनाबाद का ऊपर का पेज मुजम्मिल ही लड़ा रहे हैं, तो राय लेते हैं इस पेज पे। कैफू भाई की भारी पतंग है और नए प्लेयर हैं, क्या कहना है नईम भाई, क्या उम्मीद है बताइए आप लोग, क्या उम्मीद है, क्या कौन काटेगा, इतनी भारी पतंग लेके आए कैफू भाई, नीचे से बुला लिया है मुजम्मिल अमीनाबाद के मेंबर ने, पतंग अंदर की है तो हटवाई जाए, पेज ही नहीं हो पाएगा। तो देखिए पतंग खिंचवाई गई, भारी पतंग नीचे से लेके आए थे, टिंकू भाई ने पतंग खींची, अंदर की पतंग। 3-2 का स्कोर, नीचे से काटा मुजम्मिल भाई ने, ऊपर के चांस लिए और लेफ्ट हैंड पे चले गए, और नीचे से चांस दी गई है कैफू क्लब को, कैफू क्लब के कैफू भाई भारी पतंग लेके आए और नीचे से लड़ा रहे हैं। 3-2 का स्कोर, 3 पेच काट दिए हैं अमीनाबाद ने फाइनल राउंड। बीच में एकदम पतंग उतारते हुए, बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए और ऊपर से हाथ की तरफ लगातार जगह ले रहे हैं मुजम्मिल अमीनाबाद के लिए। बीच में एकदम पतंग उतारते हुए काफ़ी करीब करा, सीधा कदम बनाया, उसको मारते हुए बाहर की तरफ लाए, चुस्के पे रखा, डबल करके उठा रहे हैं लेकिन कट गए, बढ़िया पेज ये काट दिया। और 3-3 का स्कोर एक बार फिर से बराबर हो गया अमीनाबाद और कैफू क्लब के बीच में।
बगिया अमरूद अली बगिया का आज फाइनल डे है, फाइनल हो रहा है। कब्रों से उठ उठ के लाशें आई है, लाशें आई पुरानी 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 सब लाशें हैं, सब लाशें पुरानी पुरानी बैठी है कि पुरानी पुरानी वो देखिए उधर उधर वो दो क्या है तो भाई हवा डाउन हो गई है और पतंगे एक एक करके ये देखिए बढ़ के जा रही है। तो गुड्डे भाई हमें एक साहब से मिलवा रहे हैं जिन्होंने 72 पेज काटे हैं एक पतंग से काटे। तो सऊदी से क्या नाम भाई आपका? ताज मोहम्मद। तो आपने एक पतंग से 72 पेज काटे, तो मतलब एक दिन में तो उम्मीद नहीं है क्योंकि एक दिन में तो 72 पेज ही नहीं हो पाते हैं। तो आपने कई दिन में काटे होंगे? 8 दिन में 72। तो कुछ वाकया बताइए, कौन सी पतंग, कौन सा मांझा था जिससे 72 पेज आपने काटे हैं? गली का मांझा था। गली का मांझा था, ये वो जो एक में तीन फिरकी आती है उससे। और पतंग दुग्गा, मतलब पता नहीं कौन सा कारीगर था। अच्छा, बहुत पहले की बात, मतलब कितने साल हो गए? पतंग रखी है अभी तक सही सलामत? और कितने साल पहले की बात है? 10-12 साल पहले की। तो बहुत से रिकॉर्ड हैं पतंगबाजी में। तो हमें लगता है अगर होते तो अब तक 72 लाख पेज हो जाते 12 साल में। तो बढ़िया पेज ताज भाई ने काटे, एक पतंग से 72 काटे, वो पतंग इनके पास है, रिकॉर्ड है। इसका कोई गवाह हुआ है? गवाह भी तो होना चाहिए। प्रयास भाई गवाह है? जवानी गवाह, देखा नहीं है। अरे तो कटने वाले मोहल्ले के कुछ लोग तो होंगे इसमें कि हाँ भाई वो पतंग रोज शाम को उड़ती है, जैसे शहनशाह निकलते हैं रोज रस्सी लेके, कहें वो पतंग शाम को उड़ती है। ये हमारे ताज भाई थे, इन्होंने एक पतंग से 72 पेज काटे और अब तक का ये हमारा भी सुना हुआ सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, 8 दिन में 72 पेज। दोबारा से जगह लेते हुए कैफूर बीच में पतंग को उतारते हुए अनस अमीनाबाद काइट क्लब के लिए पेज सही हो गया है। रेंज फिर से कम कराते हुए दोनों ही लोग काफ़ी भारी पतंग कैफे उड़ाए हैं, बीच में एकदम पतंग को उतारते हुए बाहर की तरफ फिर से निकालने लग गए हैं। कैफू थोड़ा गर्दन के पास से पतंग को उड़ाना चाह रहे हैं, निकलता हुआ मुद्दा बनाया, ताकत से मारते बंदक तब दिखाया कैफू ने और बढ़िया पेज काट दिया। 4-3 का स्कोर अमीनाबाद और कैफू के बीच में फाइनल राउंड। कोई आज बचा नहीं है जो यहाँ आया नहीं है। अंकित भाई भी पहुँच गए और आगे भी खूब हंसी मजाक तफरी हो रहा है। छोड़ी भाई, राहुल भाई, सभी लोग यहाँ बैठे हैं। तो चलते हैं पेज पे, 4-3 का स्कोर अमीनाबाद और कैफो के बीच में। और अब की बार नीचे के चांस ले लिए है हाशिम भाई ने, अपनी पतंग लड़ा रहे हैं नीचे से और ऊपर से मुजम्मिल लड़ा रहे हैं। तो देखते हैं 4-4 का स्कोर बराबर होता है या एक पेज से और आगे बढ़ता है कैफो काइट क्लब। बीच में एकदम पतंग को उतारते हुए थोड़ी सी बढ़ करके लड़ा रहे हैं। अब की बार मुजम्मिल निकलता हूँ, मुद्दा काफ़ी दूर से बनाया, उसी को लेके चल रहे हैं। धीरे करा, करीब करके रुक गए और ज़्यादा जगह ले रहे हैं। पतंग की रेंज को कम करते हुए हाशिम ताका से खींचते जा रहे हैं, काफ़ी ऊंचा करके मुद्दा दे रखा है, ऊंचा करते चले आ रहे हैं। रेंज फिर से कम हो गई है, कोई जल्दबाजी नहीं, पेस सही चल रहा है। तो पतंग को लंबे कर रहे हैं हाशिम कैफो क्लब के लिए, भारी भार पतंग को निकालते हुए मुजम्मिल भी अमीनाबाद के लिए। दोनों पतंगे बराबर हैं, सीधी पतंग को उतारते हुए काफ़ी करीब करा, पटवे करके थोड़ा सा खाली करा लिया हाशिम ने, ताकत से भी खींचा, निकलता हूँ मुद्दा बनाया, ताकत से मारा और पेज आया नहीं, कन्ने के पास से एकदम था, दोनों चुस्कियाँ मार रहे हैं लेकिन शायद पेज और पेज आ गया था, ये पेज मुजम्मिल ने काट दिया। 4-4 का स्कोर बराबर कैफू और अमीनाबाद के बीच में। कोई बचा नहीं है जो यहाँ आया नहीं है, कोई बचा नहीं आज यहाँ लखनऊ का प्लेयर जो यहाँ आया ना हो। दो पेज देखने के लिए अभी भी वेट हो रहा है कि दो पेज और हो जाए तो यहाँ से जाए सब लोग। तो किसके साथ है, किसके सपोर्ट में, दो पेज कौन काटेगा? भारत के साथ है, भारत के नागरिक है, भारत के साथ। तो कैफू भाई लगता है फिर लड़ाएंगे कैफू क्लब के लिए और नीचे का पेज मुजम्मिल लड़ा रहे हैं अमीनाबाद के लिए। 4-4 का स्कोर बराबर है फाइनल राउंड में। क्राउड आप देख सकते हैं, सभी प्लेयर यहाँ ग्राउंड के ऊपर हैं, सबकी नज़रें फाइनल के पेजों पे, बहुत भीड़ है और लोग आते जा रहे हैं। तो 4-4 का स्कोर बराबर, अनस ने अपने हाथ में पतंग ले ली है अमीनाबाद के लिए। बीच में एकदम पतंग को उतारते हुए कैफू लड़ा रहे हैं कैफू क्लब के लिए। अब देखते हैं कौन पहले पाँच काटेगा, 6 पेज का फाइनल राउंड है।
दोनों पतंगे बराबर, बीच में एकदम पतंग को उतारते हुए ताकत का पेज लगता आपकी बारों का, तेज से फंसा के लड़ा रहे थे दोनों ही मेंबर ताकत से खींचते हुए। अनस भी तेज सही चल रहा है, थोड़ी रेंज भी निकल गई है और पुरवाई की तरफ हवा आ रही है। तो टावर के ऊपर पेज लड़ाते हुए दोनों लोग बीच में एकदम पतंग को बनाए हुए हैं और बराबर है, फिर से पतंग दोनों की कम हो रही है धीरे धीरे। तेज सही चल रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे पतंग की रेंज को कम करते हुए कैफू क्लब के लिए। और नीचे से अनस अमीनाबाद के प्लेयर रेंज को लगातार धीरे धीरे पतंग को चलाते जाते कम करते जा रहे हैं। एक मिनट हो रहा है, एकदम टावर के ऊपर अपनी पतंग को बनाए हुए हैं, रेंज काफ़ी कम करा लाए हैं कैफू। अब पेज सही चल रहा है, बड़ पतंग हो गई है अनस की, ताकत से गद्दा बनाया, पतंग सीधी हो रही, करीब करके रुके, फिर से अंदर की तरफ दिखाया, भाग की तरफ अनस ने खींचा, ताकत से सीधा गद्दा मारा, मारते चले आ रहे, भाग की तरफ अनस भी ताकत से खींच रहा, बढ़िया पेज ये काट दिया। 5-4 का स्कोर अमीनाबाद वर्सेस कैफू के बीच में फाइनल राउंड। क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया है, काफ़ी पब्लिक आ गई है यहाँ पे, और साथ में हमारे एक शागिर्द और हैं उस्ताद अली नवाब जी के। जी 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 आमिर जी, ये अली नवाब साहब के शागिर्द हैं। तो कुछ मतलब बना बना के उड़ाया है अभी? बहुत उम्दा, हमारी देखी में। अच्छा, एक नंबर, लखनऊ में और उस्ताद इनको देते रहे। अच्छा देते, तो कुछ बताएंगे कुछ हुनर, कितने साल से बना रहे हैं, कितने साल हो गए आपको बनाते हुए? भाई काफी टाइम से बना रहे हैं, बस शौकिया अपनी बनाते हैं, खुद ही लड़ा रहे हैं। अच्छा, खुद ही लड़ा रहे हैं, शौकिया बना रहे हैं। चलिए कभी मौका मिलेगा तो जो पतंग बना रहे हैं आमिर भाई वो हम लोग देखेंगे कैसी है। और यहाँ पे क्राउड आप देख सकते हैं बढ़ती जा रही शाम के समय, अगर अमीनाबाद ने काटा तो आज का यहाँ फाइनल जो है वो उठा लेंगे, और अगर कैफू क्लब ने काट दिया तो ऑल ऑल का लड़ेगा फाइनल का राउंड। तो लास्ट पेज कैफू क्लब के लिए कैफू भाई का बचा हुआ है, पतंग तैयार हो गई है, लंबे करके पहुंच गए, और देखते हैं आखिरी पेज से अपने क्लब को जीत दिला पाते हैं कि नहीं। 4-5 का स्कोर हो गया है अमीनाबाद और कैफू क्लब के बीच में। ये सही हो गया है, जगह लेते चले आ रहे हैं अनस, और ऊपर से कैफू बाहर इधर पतंग को निकालते हुए, सब काफ़ी ज़्यादा हुल्लड़ कर रहे हैं, लगातार हूटिंग चल रही है पेज के ऊपर, बीच में एकदम पतंग को उतारते हुए, थोड़ी सी पतंग की रेंज फिर से कैफू कम कराते हुए, लेकिन ताकत से अनस जगह लेते जा रहे हैं, बिल्कुल रुक नहीं रहे हैं, ऊपर की तरफ खींचते हुए रेंज को फिर से कम कराते हुए कैफू। लास्ट पेज बचा है कैफू का, काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा करा रहे हैं, रेंज कम होती चली आ रही, फिर से गर्दन के पास अपनी पतंग को लेके बढ़ रहे हैं, बारी बार पतंग को निकालते हुए, पतंग को बचाने के लिए अनस बाहर की तरफ खींचे फिर से जगह लेते हुए, और गर्दन के बाद अपनी भारी पतंग को उतारते हुए कैफू बाहर के मुड्डे पे पतंग को ऊंचा करा, अंदर के मुड्डे पे पतंग को उतारा, भाई तरफ अनस ने जैसे ही खींचा कर दिया, तालियां सुन सकते हैं आप, ऑल ऑल पे गेम आ गया है अमीनाबाद और कैफू के बीच में। तो आ गया है ऑल ऑल पे गेम, अब मज़ा आएगा देखने में, फाइनल पेज ऑल ऑल राजा कॉपरेटर टूर्नामेंट अमरूद की बगिया का, सब में खुशी की लहर है कि अब फाइनल पे लड़ेगा ऑल ऑल पे, और देखने वाला होगा बहुत ही गजब का टूर्नामेंट हो गया। ये रहे हमारे जुनैद भाई, क्या कहना है जुनैद भाई, ऑल ऑल पे गेम आ गया है भाई, गेम बहुत दुविधाजनक हो गया है, मजा आ रही है लेकिन लोगों को अंधेरे में भी मजा आ रही है। तो काफी ज्यादा अंधेरा हो गया, देखते हैं कवर हो पाता है कि नहीं। लास्ट पेज ऑल ऑल का अमीनाबाद वर्सेस कैफू के बीच में, लाइटें चलने लग गई है इसलिए फोकस नहीं हो रहा, कोशिश करते हैं आखिरी पेज आज के दिन का बनाने का। ये देखिए भाई लोग हाय कह रहे हैं, तो चलते हैं पेज पे, कोई गया नहीं है मैदान से, सब रुके हुए हैं आखिरी पेज देखने के लिए ऑल ऑल का। तो इधर समीर भाई और बाकी उनकी टीम भी बैठी, नवाब के भी मेंबर हैं, तो सही चल रहा है, जगह लेते जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा कराते हुए मुजम्मी, फिर से गर्दन के पास पहुँचे भारी पतंग लेके, इससे पहले वाला पेज देखा था जैसे ही बाहर का मुड्ढा बनाया चिपक गए थे अनस भाई, देखते हैं क्या होगा, करीब कर रहे हैं फिर से कन्ने के पास से पेज, भारी पतंग चक्कर पर रोके हैं, बाहर की तरफ निकाला, डबल करने की कोशिश, झोल पे उतरते हुए जल्दी से झोल पे उतरे, डोरों पर रखा, चुस्कियों पे पेज, और ये पेज अमीनाबाद के मुजम्मिल भाई ने काट दिया है और उठा लिया है फाइनल लेट राजा कॉपरेटर अमरूद की बगिया का। सब लोग देखिए अंधेरा, देखिए कितना ज़्यादा हो गया, सब लोग उठाने के लिए गोदी में भाग पड़े हैं अमीनाबाद क्लब की तरफ, अनस और मुजम्मिल भाई, क्राउड बहुत है अभी भी, तो देखते हैं अंधेरे में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी होना है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा।
ये अंधेरा काफी ज्यादा है, गोदी में उठा के ले जा रहे हैं मुजम्मिल को, जिन्होंने आखिरी पेज ऑल ऑल पे काटा है।